हेलो माय हेल्दी फूडी फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही हेल्दी एंड डिलीशियस डेजर्ट रेसिपी व्हिच इज लव्ड बाय बोथ किड्स एज वेल एज एडल्ट्स। दिस डेजर्ट कैन बी एंजॉयड एनी टाइम एंड आल्सो सर्व्स एज अ मिड मील स्नैक। दिस कस्टर्ड ट्रिफल रेसिपी इज बेस्ट एंजॉयड व्हेन चिल्ड। सो लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट, बट बिफोर दैट सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन माई फेसबुक पेज क्विक एंड हेल्दी बाइट्स। Do press the bell icon for notification if you are watching on YouTube. तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 लीटर ऑफ मिल्क लिया है, जिसको हम बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया है मैंने। इसको हम अच्छे से बॉयल कर लेंगे। जब तक मिल्क बॉयल हो रहा है, तब तक हम कस्टर्ड बनाने के लिए और भी प्रेपरेशंस कर लेते हैं। बट मेक श्योर कि आप ये मिल्क को लो फ्लेम में करके छोड़ें। इसके लिए सबसे पहले मैं सब्जा सीड्स जो होता है वो भिगो रही हूँ। तो 1 टीस्पून ऑफ सब्जा सीड्स को मैंने पानी में डाल के हाफ एन आवर के लिए हमें छोड़ना है। अब एक बोल में मैंने वो 1 लीटर मिल्क में ही कुछ ठंडा मिल्क रखा था, तो वो हाफ कप ऑफ कोल्ड मिल्क में मैं 2 टेबलस्पून ऑफ कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। मुझे कस्टर्ड बहुत ज़्यादा थिक हमें पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अगर आपको थोड़ा थिक कस्टर्ड बनाना है तो आप ये जो कस्टर्ड पाउडर है इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। यू कैन ईजली टेक अराउंड 3-3.5 टेबल स्पून ऑफ कस्टर्ड पाउडर, और इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें इस ठंडे दूध में, सो दैट देर आर नो लम्ब्स एंड ये एक स्मूथ पेस्ट की तरह बन जाए। ये अब कभी भी आप गर्म मिल्क इसमें यूज़ ना करें, हमेशा मेक श्योर दैट यू डू इट इन कोल्ड मिल्क। डू नॉट टेक हॉट मिल्क, अदरवाइज लम्ब्स हो जाएंगे और ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा। अब जो हमारा मिल्क है वो थोड़ा बॉईल हो चुका है, तो इसमें हम डालेंगे अराउंड 3 टेबलस्पून ऑफ जागरी पाउडर। यू कैन ऐड शुगर और मिश्री, मिश्री भी बहुत अच्छा होता है, उसको भी आप पीस के या एज इट इज डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे अपना कस्टर्ड का जो हमने पेस्ट प्रिपेयर किया था वो, और इसे हम अच्छे से स्टर करते रहेंगे सो दैट इसमें लम्ब्स फॉर्म ना हो। तो जब आप कस्टर्ड पेस्ट डाल रहे हैं देन मेक श्योर दैट यू आर कंटिन्यूसली स्टरिंग इट। उसके बाद हम इसे लो फ्लेम में ही रखेंगे एंड इसे हम बीच बीच में स्टर करते रहेंगे। एक बार पेस्ट डालने के बाद अगर अच्छे से बॉईल आ गया है तो आप इसे लो फ्लेम में रख के बस बीच बीच में स्टर करते रहेंगे एंड इट विल बी थिक। तो आप अपने कंसिस्टेंसी, बिकॉज मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ कस्टर्ड पाउडर डाला तो इट विल नॉट बी वेरी थिक, बट हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए तो दिस इज़ एप्ट फॉर इट। बट अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें, तो यू विल सी दैट इट हैज़ बिकम रियली थिक, मतलब जो आपका मिल्क है इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी थिक हो जाएगी। तो बस इस तरह से हमें इसे स्टर करते रहना है बीच बीच में एंड ये ऑलमोस्ट हो गया है, मतलब ये थिक हो गया है, और हम इसको गैस बंद करके अच्छे से ठंडा होने देंगे। हमें गरम कस्टर्ड यूज़ नहीं करना है। तो ये थिक कंसिस्टेंसी का हो गया है, तो अब मैं इसे अच्छे से ठंडा होने दूंगी। एक बॉईल ला के मैं इसे बस गैस स्विच ऑफ कर दे रही हूँ। तो इसको हम ठंडा करके फिर अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। तो अब हमारा कस्टर्ड ठंडा हो गया है और ये जो सब्जा सीड्स हैं वो भी अच्छे से भीग गए हैं। मैंने कुछ फ्रूट्स काट लिए हैं, जो आपके पास अवेलेबल फ्रूट्स है आप वो डाल लें। अब मैं इसमें रोज़ सिरप डाल रही हूँ, जो आपके पास रू अफज़ा मिल जाता है इजीली घरों में, यू कैन टेक दैट। रू अफज़ा को अच्छे से आप रोटेट कर लें तो ये इतना मतलब एक सुंदर टेक्स्चर दे देगा ग्लास में, एक अच्छा पैटर्न बन जाता है रेड कलर से। नाउ वी ऐड 2 टेबलस्पून ऑफ सब्जा सीड्स टू इट। सब्जा सीड्स आर ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। नाउ वील ऐड जो चिल्ड हमारा जो ये ठंडा कस्टर्ड है वो डालेंगे, अराउंड 2 टेबलस्पून ऑफ कस्टर्ड। देन वील ऐड आवर फ्रूट्स, जो भी चॉप्ड फ्रूट्स हैं, तो मैं थोड़ा एप्पल डाल रही हूँ इसमें, थोड़े मैंगोज, थोड़ा ग्रेप्स है मेरे पास, ये कैलिफोर्निया ग्रेप्स वो डाल रही हूँ, इसके मैंने सीड्स निकाल लिए थे, और पोमोग्रेनेट। फिर हम वापस से ये लेयरिंग करेंगे, तो कस्टर्ड, then again the chopped fruits, and फिर थोड़ा सा कस्टर्ड, and we'll drizzle this rose syrup।
और जो भी कट चॉप्ड फ्रूट्स हैं उससे हम थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे इसे। अब हम इसे रेफ्रिजरेट कर देंगे फॉर 2 आवर्स एंड आवर कस्टर्ड इज़ रेडी। यू कैन एन्जॉय इट। स्टे सेफ, ईट हेल्दी एंड एन्जॉय कुकिंग।